द्वारा सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में 3 स्कूल बसों पर कार्यवाही की गई, जिसमें 2 बसों में फिटनेस नहीं पाई गई व 1 बस में PUC नहीं पाया गया, जिसके लिए सभी से अर्थदंड वसूला गया। ऐसे ही धार के एमिनेंट स्कूल की बसों को भी चेक किया गया। वहीं पर एक टाटा मैजिक भी खड़ी थी जो स्कूली बच्चों को ले जाने का काम करती थी। बिना रजिस्टर्ड नंबर और कागज के पाई गई, उसके ऊपर भी कार्यवाही कर अर्थदंड वसूला गया। जब हमारे प्रतिनिधि अतर सिंह डांग ने उनसे पूछा कि क्या आपने स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले ऑटो रिक्शा वालों पर क्या कार्यवाही की, उन्होंने कहा कि छोटे वाहनों पर भी हमारी निगाह है, यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम जरूर कार्यवाही करेंगे। सर अभी ये स्कूल के लिए जो चेकिंग चल रही है उसमें सर अपन लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी तक कितने गाड़ियों पे अपन ने अनियमितता पाई गई और कितनी गाड़ियों पे जुर्माना वसूल करा? इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि धार पुलिस कंट्रोल रूम में हमने मीटिंग भी ली थी और उसके बाद निर्देश भी दिए थे। मेरे द्वारा इसके बाद कार्रवाई भी काफ़ी अच्छी की गई है। पीथमपुर में मैंने 2 स्कूल बसों के फिटनेस निरस्त किए हैं। जो बस सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करती। धार से अतर सिंह डांग की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें।